हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम देखा हुआ था। टाइप्स ऑफ करिकुलम में उस करिकुलम का थोड़ा हमने ओवरव्यू दिया हुआ था, और टाइप्स ऑफ करिकुलम के कितने टाइप्स है वो मैंने बताया हुआ था। और मेन जो टाइप्स है उसके, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में डिफ्रेंसिएशन क्या है वो, उसके बाद एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम और को करिकुलम के बारे में हमने चर्चा करी हुई थी। इनका मैंने विस्तार से चर्चा करा हुआ था और वो वीडियो में है। अभी आज मैं इसके आगे पार्ट टू जो है, टाइप्स ऑफ करिकुलम का जो पार्ट टू है, क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने उसको दो भागों में कर लिया। तो पार्ट टू जो है उसका, टाइप्स ऑफ करिकुलम का जो पार्ट टू भाग है, उसमें जो आगे के जो बचे हुए हैं वो को करिकुलम और कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, इंक्लूसिव करिकुलम, स्पाइरल कोरिलेशन, वर्टिकल कोरिलेशन, हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन, ये बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पे इसमें चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो के अंत में वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि जो ये मेहनत है वो सभी लोगों तक पहुँचे। कहीं कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो कन्फ्यूजन ना रहे। और इस वीडियो में अगर कोई शब्द या कहीं कोई एग्जाम्पल्स या किसी से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको आगे उसको कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जो अगला वाला हमारा जो बचा हुआ था, जो टाइप्स, वो था कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम से मतलब ही है कि एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा करिकुलम या एक ऐसी चीज जो कॉमन है सबके लिए। तो कॉमन सबके लिए है मींस कि सपोज करिए कि हिंदी है, या लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदी सबको पढ़नी है, इंग्लिश सबको पढ़नी है। वहीं पे बात करें तो साइंस में, साइंस के भाग जो है वो 10वीं में किसी को पढ़ने होते, 12वीं में किसी को पढ़ने होते, किसी को नहीं पढ़ने होते। उसके बाद वहां पे कोई आर्ट स्ट्रीम से पढ़ता है, कोई साइंस स्ट्रीम से पढ़ता है। इट मीन्स जो पाठ्यक्रम सभी के लिए अनिवार्य है उसे कहते हैं कोर करिकुलम। जब छोटी क्लास होती है, बिल्कुल छोटी क्लास होती है, तो वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट वो कंपलसरी होते हैं। तो कोर का मतलब कि कंपलसरी, जो सभी के लिए अनिवार्य है, सबको पढ़ना है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं 10वीं में और 12वीं में, जब जाते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जब जाते हैं, तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबको पढ़ने होते हैं। जैसे हिंदी सबको पढ़नी पड़ती है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो। इंग्लिश सभी को पढ़नी पड़ती है, साइंस स्ट्रीम का हो चाहे आर्ट स्ट्रीम का हो। 10वीं में सोशल साइंस सभी को पढ़ना होता है, एनवायरमेंट साइंस वो सभी को पढ़ना पड़ता है। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सबको पढ़ने होते हैं, तो उसे कहते हैं कोर करिकुलम। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कोर करिकुलम और क्या है। कोर रेफर्स टू द हार्ट ऑफ एक्सपीरियंस एवरी लर्नर मस्ट गो थ्रू। यानी एक ऐसा, मतलब वो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा चीज है जो सभी के लिए जरूरी है। हर्ट, हर्ट मतलब क्या, हर्ट सभी, बिगर हर्ट के कोई काम नहीं करेगा और बिना हृदय के कोई आगे नहीं जा पाएगा। यानी वो सबको जानना है और उससे सभी को गो थ्रू होना है। सारे लर्नर जो सीखने वाले हैं उस पाठ्यक्रम में, जो चीजें हैं वो सभी को गो थ्रू होना है। यानी अगर हिंदी है, हिंदी कंपलसरी है, वो सभी को पढ़ना है। उसमें कोई भी प्रकार का जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आपको ये नहीं पढ़ना है, इसी जगह पे आप ये पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सभी को पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट्स, जो मटेरियल सभी को पढ़ने हो उसे कहते हैं कोर करिकुलम। आगे चलते हैं, फंडामेंटल नॉलेज दैट ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न इन द स्कूल। यानी जो कोर करिकुलम होता है, उस कोर करिकुलम में होता क्या है, उसमें कुछ बेसिक चीजें, बेसिक चीजें, बेसिक ज्ञान जो है वो सारे बच्चों के लिए जरूरी होता है, वो सिखाया जाता है। तो इसीलिए कोर करिकुलम रखा जाता है कि वो सबके लिए कंपलसरी है। जैसे खेल कूद सबके लिए जरूरी है, तो खेल कूद होना सभी के लिए कंपलसरी है। उससे बच्चों का जो है उत्साह बढ़ेगा और उनका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा रहेगा, तो ऐसे वो जरूरी है। लाइब्रेरी में जाना सबके लिए जरूरी है, मतलब हालांकि ये सब कुछ हमारे पाठ्यक्रम में लिखा नहीं होता है, बट ये जो है वो सबके लिए जरूरी है। तो अब हम करिकुलम की बात करें, तो करिकुलम में अगर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो अगर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं तक की बात करें तो वहां पे सारे चीजें जरूरी है। वहीं 9वीं 10वीं 11वीं बात करें तो वहां पे कुछ जो है वो ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल को छोड़ करके बाकी जो कंपलसरी चीजें हैं उसे कोर कहते हैं। अगर डीएड बीएड की बात करें तो डीएड बीएड में कुछ चीजें जैसे डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ होते हैं, तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का सभी को पढ़ना होता है, और जो अदर डिसेबिलिटी के होते हैं वो सभी लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ते हैं।
तो ऐसे अगर हम बात करें कि तो जैसे स्पेशल एजुकेशन में हियरिंग इम्पेयरमेंट का डिप्लोमा जो भी होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट का और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, इन तीनों के डिप्लोमा जो है वो तीनों के नाम एक ही है, डीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीएड स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट, डीएड स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें चार पेपर वो कंपलसरी होते हैं, चार पेपर में जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी वो सबको पढ़नी पड़ती है, उसमें से किसी प्रकार का कोई भी किसी को लेक्चर नहीं दिया जाता है। इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी वो सभी को पढ़ना पड़ता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो है वो पेपर है, वो सारे पेपर जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वो सभी को पढ़ना पड़ता है, यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसके बाद इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, उसके बाद जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये चार पेपर जो है वो सभी के लिए जरूरी है। यानी बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, चाहे हियरिंग इंपेयरमेंट का हो, चाहे विजुअल इंपेयरमेंट का हो, सभी में जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सभी को पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी से सेमेस्टर सेकंड में आता है, वो सभी को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो है इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी वो थर्ड सेमेस्टर में आता है, वो सभी को पढ़ना पड़ता है। फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो इंक्लूसिव करिकुलम होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, वो सभी को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा के जो पेपर होते हैं वो सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ते हैं। तो वो चीज जो सभी को पढ़ना है वो उसे उसे कहते हैं कोर करिकुलम। वैसे बीएड में भी होते हैं, बीएड में जो पेपर होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहे वो जनरल बीएड हो चाहे स्पेशल बीएड हो, सबको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे जो सभी को पढ़ने हैं उसे कहते हैं कोर करिकुलम। अ कोर करिकुलम इज अ करिकुलम आर कोर्स और स्टडी विच इज डीम्ड सेंट्रल एंड यूजुअली मेड मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और स्कूल सिस्टम, चाहे वो स्कूल सिस्टम के या स्कूल के बच्चे हों या कोई हो, वो उसमें से सारे बच्चों को वो मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब वो कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, सबके लिए जरूरी होता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसी पुस्तक या ऐसा सिलेबस या ऐसा ज्ञान जो सभी के लिए जरूरी है उसे कहते हैं कोर करिकुलम। द कोर करिकुलम इज द सेट ऑफ कॉमन कोर्स रिक्वायर्ड ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड कंसिडर्ड द नेसेसरी जनरल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर च्वाइस इन द मेजर। कोर करिकुलम जो है वो एक कॉमन कोर्स का एक सेट होता है, यानी जैसे मैंने बताया कि चार पेपर डिप्लोमा में चार पेपर, तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये चार जो पेपर है ये चारों पेपर सबके लिए कोर है, यानी सबको इससे गो थ्रू होना है, सबके लिए इसको जाना है, सबको इसको पढ़ना है। यह जनरल एजुकेशन में जाने के लिए या सभी को जानने के लिए, डिसेबिलिटी को जानने के लिए सारे पेपर जरूरी है। तो इसलिए जो पेपर सभी के लिए जरूरी है उसे कहते हैं कोर करिकुलम। तो होप आप लोगों को कोर करिकुलम समझ में आया होगा। कोर करिकुलम का मतलब यही कि ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी के लिए जरूरी हो, यानी वो चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, सभी के लिए वो पढ़ना जरूरी है, तो इसे कहते हैं कोर करिकुलम। ओके, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं हिडन करिकुलम। कुछ ऐसे हिडन मतलब छिपा हुआ, हिडन मतलब छिपा हुआ, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाई जाती, हमारे पाठ्यक्रम में लिखी नहीं जाती कि ये काम भी होना है। सब कुछ करिए कि हमारे पाठ्यक्रम में कभी ये नहीं लिखा जाता कि एनुअल प्रोग्राम होना है, एनुअल प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है कि स्कूल का एनुअल प्रोग्राम होगा, या ये कहीं विजिट करने के लिए लेके जाना हो कहीं वो मेंशन नहीं होता। हमारे जो सिलेबस, हमारा मेन सिलेबस होता है, उस मेन सिलेबस में नहीं लिखा होता है। सडन कोई गेस्ट फैकल्टी आकर के आपसे बातचीत करेगा तो भी कहीं नहीं लिखा होता है, या हमें कोई एक नया कोई अदर कोई दूसरी एक्टिविटी करवानी है तो एक्टिविटी करवानी तो वो कहीं नहीं लिखा होता। आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई छोटी दूसरी एक्टिविटी करानी है तो कहीं नहीं लिखी होती है। तो ऐसा चीज जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हो बट फिर भी हम करवाते क्यों है कि हमारे जो अदर पेपर्स, उस अदर्स पेपर को बिल्ड करने के लिए, यानी उसको और सपोर्ट देने के लिए। जैसे हम अगर मैथ का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, मैथ का हमारा चैप्टर, मैथ के चैप्टर में हमें किसी बैंक की काम में बैंक में लेके जाना है या किसी शॉप पे लेके जाना है, तो उस कॉन्सेप्ट को, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन को सिखाने के लिए हम किसी शॉप पर लेके गए और शॉप पर हमने कुछ वो चीज एक्टिविटी कराई, तो एक्टिविटी हमारे उस सिलेबस में नहीं लिखी हुई है बट फिर भी हम करवा रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो एक्टिविटी है या अदर एक्टिविटी है वो हमारे सिलेबस में नहीं लिखी होती है फिर भी हम करवाते हैं, ऐसे प्रकार को कहते हैं हिडन करिकुलम। आइए जानते हैं हिडन करिकुलम क्या है। The message of hidden curriculum may support or contradict each other as well as written curriculum. यानी वह जो हमारा written curriculum है, उस written curriculum को support करने के लिए, उसको support करने के लिए जो है यह curriculum ऐसा होता है। For example, while school social studies curriculum it typically emphasize and even celebrate democratic political system and principles such as one person one vote, majority rule and minority rights, separation of
चर्च एंड स्टेट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन पब्लिक स्कूल क्लासरूम एंड कॉरिडोर्स। मतलब जो हमने बात करी, अगर हमने कि किसी हमारा जो तंत्र है, हमारा जो राष्ट्र है वो डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक में कैसे वन टू वन वोट कैसे देना है, हमारा जो मेजोरिटी रूल क्या है, माइनॉरिटी राइट्स क्या है, मेजोरिटी रूल क्या है और माइनॉरिटी राइट्स क्या है, जो स्टेट्स है और स्टेट्स के चर्च जो है उसको सेपरेशन करना या इक्वालिटी लेके आना या फिर उसको प्रोसेस में लेके आना, ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती है, यानी हमारे पाठ्यक्रम में दिखाई नहीं जाती है, हमारे सोशल स्टडीज में या लिखी नहीं जाती है, बट फिर भी हम उसको अलग से बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें जो होती हैं वो कुछ बातें दिखाई नहीं जाती हैं, दर्शाई नहीं जाती हैं, उसमें नहीं होती हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है हम उसको बताते हैं। तो ऐसा पाठ्यक्रम जो कि सपोर्ट करने के लिए या उसको और बिल्ड करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में हम लेके आते हैं उसे कहते हैं हिडन करिकुलम, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में पहले से दर्शाए नहीं होते हैं, पाठ्यक्रम में हमारे शिक्षाविदों द्वारा वो लिखे नहीं होते हैं, इसको कहते हैं हम हिडन करिकुलम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हिडन मतलब कि वो चीज हमारे में है नहीं, इंगित नहीं है, फिर भी हम करवाते हैं। ओके, तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि जो कोर करिकुलम है यानी कंपलसरी जो पेपर्स हैं वो, और जो हिडन करिकुलम है वो, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, बात करते हैं इंक्लूसिव करिकुलम। इंक्लूसिव करिकुलम का मतलब कि उसमें सब कुछ इनबिल्ट है, सब कुछ इनबिल्ट है, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें हर पूरा पैकेज दिया जा रहा है। पैकेज में उसमें एडमिशन भी उसी में शामिल है, उसमें प्रोग्रेशन भी शामिल है बच्चे का, करिकुलम की डिजाइनिंग भी उसी में शामिल है, कंटेंट की डिलीवरी भी उसी में शामिल है, असेसमेंट भी उसी में शामिल है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उसी में शामिल है, साथ में वर्क प्लेसमेंट भी उसी में शामिल है, फील्ड ट्रिप भी उसी में शामिल है और अदर मीटिंग्स वगैरह भी उसी में शामिल है। तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें सब चीज ए टू जेड उसमें शामिल हो, लिखी हुई हो और उसी के आधार पे हमको फॉलो करना हो, तो ऐसे प्रकार के पाठ्यक्रम को कहते हैं इंक्लूसिव करिकुलम। यानी कैसे एडमिशन कराना है, कैसे बच्चों की प्रोग्रेस होगी, कैसे हम उसकी मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद उसका पाठ्यक्रम का डिजाइनिंग कैसा होगा, सेमेस्टर वन में क्या पढ़ाना होगा, सेमेस्टर टू में क्या पढ़ाना होगा, सेमेस्टर थ्री में क्या पढ़ाना होगा, सेमेस्टर फोर में क्या पढ़ाना होगा, कंटेंट की डिलीवरी कितनी होगी, यानी वन आवर में एक यूनिट के कितने सब यूनिट है, उस सब यूनिट को कैसे डिवाइड करना है, वो सारा कुछ हमारे पाठ्यक्रम में अगर शामिल है, लिखा हुआ है, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसको और सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या होगी, उसको हम कहाँ वर्क प्लेस करेंगे, वो फील्ड ट्रिप कैसे लेके जाएंगे, साथ साथ में उसके लिए मीटिंग कब कब करेंगे कि वो और बिल्डअप हो, इन सब चीजों का जो पैकेज होता है, एक ही साथ में सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो जो पूरा प्लान होता है उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव करिकुलम। होप आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमने बताया आपको कोर करिकुलम, फिर उसके बाद हमने बताया आपको जो है वो हिडन करिकुलम, फिर इंक्लूसिव करिकुलम। कोर करिकुलम जो कंपलसरी पेपर, हिडन करिकुलम जो शामिल नहीं है फिर भी हम करवाते हैं, और इंक्लूसिव करिकुलम जहाँ पे एडमिशन से लेकर के पूरा उसके डिग्री सर्टिफिकेशन तक जो बातें होती हैं वो सारा कुछ जो है वो इंक्लूसिव करिकुलम के तहत आता है। ओके, तो यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं को रिलेशन की बात करते हैं, यानी एक पाठ्यक्रम और दूसरे पाठ्यक्रम के साथ में कैसे जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं कोरिलेशन। तो मेनली हम तीन कोरिलेशन की बात करेंगे, स्पाइरल कोरिलेशन, वर्टिकल कोरिलेशन और हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। तो स्पाइरल कोरिलेशन देख रहे हैं, जैसे कि ये स्पाइरल है, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे हम अपनी पुस्तक को या किसी को हम जो है स्पाइरल करते जाते हैं, यानी स्पाइरल उसकी बाइंडिंग करवाते हैं, तो एक जो है वो दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ में, चौथा पांचवें के साथ में वह जुड़ा हुआ होता है। यानी एक कड़ी पूरी होती है फिर दूसरी कड़ी में आता है, तीसरी कड़ी में आता है, चौथी कड़ी में आता है, पांचवी कड़ी में आता है, छठवीं कड़ी में आता है। तो ऐसे इस प्रकार के करिकुलम को कहते हैं वो स्पाइरल करिकुलम। यानी एक जगह से शुरू होता है, उसको पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को वो पूरा करता है, फिर उसके बाद वो आगे जाता है। सपोज करिए मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ पे हालांकि चित्र तो दिखाया हुआ है फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे हमने लेसन वन से स्टार्ट किया, लेसन वन जो है हमारा स्टार्ट हुआ, अब इस लेसन वन से हमने स्टार्ट किया, अब यहां से ये लेसन वन से शुरू हुआ, फिर हमने लेसन वन का थोड़ा प्रीवियस नॉलेज करवाया, फिर पढ़ाया, फिर उसका रिवीजन कराया, फिर अब लेसन टू में पहुंच गए। अब लेसन टू पूरा हुआ, अब लेसन थ्री में चलेंगे, लेसन थ्री पूरा हुआ, अब लेसन फोर में चलेंगे। यानी यह हुआ लेसन वन, यह हुआ टू, यह हुआ थ्री, ऐसे फिर लेसन फोर कंप्लीट करेंगे, फिर लेसन फाइव कंप्लीट करेंगे, लेसन सिक्स कंप्लीट करेंगे, लेसन सेवन कंप्लीट करेंगे, लेसन एट कंप्लीट करेंगे, लेसन नाइन कंप्लीट करेंगे, लेसन टेन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी अगर 10 लेसन का पूरा अगर लेसन है तो वह इस तरह से चलेगा। यानी एक लेसन
शुरू करेंगे उसके प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, फिर उस लेसन के बारे में जो लिखा हुआ वो बताएंगे, फिर उसका रिवीजन एक बार कराएंगे, रिवीजन कराने के बाद वापस से लेसन टू की तरफ चलेंगे। लेसन टू में जब लेसन टू की तरफ चलेंगे तो लेसन वन को थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, लेसन वन को बिल्ड करेंगे यानी प्रीवियस नॉलेज का चेक करेंगे, फिर उस लेसन के बारे में बताएंगे, उसका उसका जो है वो रिकैप्चुरेशन कराएंगे, फिर उसके बाद लेसन थ्री की तरफ चलेंगे। लेसन थ्री की तरफ जब चलेंगे वहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले लेसन टू को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, फिर लेसन थ्री के बारे में जो बातें हैं वो बताएंगे, उसका रिवीजन करवाएंगे, फिर लेसन फोर की तरफ पहुंचेंगे। ऐसे पूरे पाठ्यक्रम को यानी एक पाठ जो है वो दूसरे पाठ के साथ में जोड़ करके तीसरे पाठ की तरफ पढ़ता है, तीसरा पाठ दूसरे पाठ को जोड़ करके चौथे पाठ की तरफ पढ़ता है। ऐसे पूरे जो रिलेशन में स्पाइरल की तरह से ये पूरा चलना वो कहलाता है स्पाइरल कोरिलेशन। ओके, यहां तक समझ में आएगा। आइए हम इसका थोड़ा सा लिटरेचर जानते हैं। लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, स्पाइरल करिकुलम डिजाइन इज वन इन विच की कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंटेड रिपीटेडली थ्रू आउट द करिकुलम बट विथ डीपिंग लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। यानी यह क्या होता है, लेसन वन से स्टार्ट होता है, लेसन वन से स्टार्ट होकर के यह उसका रिवाइज करते हुए एक दूसरे के साथ में रिपीट करते हुए एक सिंपल से लेकर के वह कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता जाता है, सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स। अगर गणित का हमने बताया, गणित में हमने प्लस बताया वन डिजिट का, फिर टू डिजिट का प्लस बताया, फिर माइनस बताया, फिर मल्टीप्लीकेशन बताया, फिर डिवाइडेशन बताया, फिर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बताया, ऐसे ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते 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 आगे चली जाती है। तो यानी यहाँ पे हमने सिंपल से स्टार्ट किया और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो स्पाइरल करिकुलम यही कहता है कि एक लेसन जब शुरू होता है तो वहाँ पे सिंपल से स्टार्ट होता है, बट जब खत्म होता है तो कॉम्प्लेक्स की तरफ तक जाता है, यानी वह पूरा करिकुलम जो है वो उसे कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक होप समझ में आया होगा। After a mastery of initial topic, यानी एक लेसन जब खत्म हो जाता है, जब एक लेसन सब कुछ करे कि यहाँ से लेसन वन स्टार्ट हुआ, लेसन वन को हमने पढ़ा दिया, अब यहाँ तक ये लेसन खत्म हुआ, एक लेसन की मास्टरी खत्म होने के बाद स्टूडेंट स्पाइरल अपवर्ड यानी अब वो यहाँ से अब आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तो दूसरा लेसन खत्म होगा, फिर यहाँ से दूसरा लेसन खत्म होगा तो वह तीसरे लेसन की तरफ जाएगा, तीसरा लेसन जब खत्म होगा तो वह चौथे लेसन की तरफ जाएगा। वही यहाँ कह रहा है आफ्टर अ मास्टरी ऑफ वन लेसन, सपोज करो कि यह लेसन नंबर वन है, एक लेसन खत्म होने के बाद फिर वह नया नॉलेज लेते हुए वह दूसरे लेसन को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी यह पहले लेसन को इंट्रोड्यूस करते हुए नया नॉलेज जो है वह बताएगा। वही हम लेसन में जैसे करते हैं कि सबसे पहले दूसरे लेसन में नया टॉपिक पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करने के बाद उसी के आधार पर फिर दूसरा ज्ञान सेट करते हैं, जो नया ज्ञान है वो सेट करते हैं, नया ज्ञान पढ़ाते 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 जब पढ़ा लेते हैं तो फिर इसको एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर उसका असेसमेंट करते हैं, फिर तीसरे लेसन पे जाते हैं। तो ऐसे ही सेम इस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम स्पाइरल कोरिलेशन या स्पाइरल पाठ्यक्रम कहते हैं। ओके, आगे इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट लेसन इनेबलिंग हिम हर टू रीइंफोर्स व्हाट इज ऑलरेडी लर्न। यानी यहाँ पे जब एक लेसन खत्म हुआ तो वह बताया जाता है कि जो हमने पहला यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस ये कह रहा है कि आपने क्या पहले पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ लिया है, आओ अब हम नया ज्ञान लेते हैं, यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं, ये सब नया ज्ञान है, अब नया ज्ञान यहाँ तक खत्म हो गया, अब ये क्या कर रहा है, नए ज्ञान को अब दोबारा रिपीट कर रहा है, रिपीट करके करने के बाद अब यहाँ तक ये नया ज्ञान खत्म हो गया, रिपीट कर दिया, अब यह जब चौथे लेसन की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ से अब इसका सब रिविजन यहाँ तक, रिविजन करने के बाद अब यहाँ से यह नया ज्ञान लेके आ रहा है, ये सब नया ज्ञान है, नया ज्ञान के बाद अब इसका रिविजन हो रहा है, रिविजन होने के बाद फिर आगे लेसन जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा लेसन चलता है। इन द एंड अ रिच ब्रीथ एंड डेप्थ नॉलेज इज अचीव्ड। यानी जब यहाँ से खत्म होता है, सपोज करो यहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ और यहाँ लेसन खत्म हो रहा है, या हमने यहाँ से लेसन स्टार्ट किया और यहाँ लेसन जो है हमारा खत्म हो रहा है, तो खत्म होते होते वह उस लेसन का पूरा डीप नॉलेज ले लेता है। सपोज करिए कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ पढ़ाने का जो पहला वाला लेसन है वह तो बहुत इनिशियल होगा, बहुत सिंपल होगा, लेकिन जो उसका आखिरी वाला लेसन होगा, जो लास्ट वाला जो लेसन होगा, वो लास्ट वाला लेसन जब पढ़ेगा उससे बच्चे को यह जानकारी हो जाएगी कि हमने मैथ में बहुत डीप ज्ञान ले लिया हुआ है। तो ऐसे शुरू से बिल्कुल सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक की बात को पढ़ाने के लिए, एक ही सब्जेक्ट को सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक की पढ़ाने की बात को हम स्पाइरल कोरिलेशन कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्पाइरल कोरिलेशन क्या है। स्पाइरल कोरिलेशन का मतलब यही है कि एक ज्ञान को रिविजन करते हुए नया ज्ञान बताना और नया ज्ञान का रिकैप्चरेशन कराते हुए पुराने दूसरे वाले नए ज्ञान को लेना, वैसे वह स्पाइरल करिकुलम के रूप में वह
चलते रहता है, यानी वह चक्राकार के रूप में चलते रहता है। शुरू में बिल्कुल सिंपल बातें और लास्ट में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बातें वह खत्म करता है वहां तक। तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल कोरिलेशन। ओके, आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे की क्या बात है, अब बात करते हैं वर्टिकल कोरिलेशन। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, यानी सीधे सीधे सपाट में जाने वाले को जो ऊर्ध्वाधर करिकुलम है इसे, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कोरिलेशन। यानी यह क्या है, यह एक्सटर्नल कोरिलेशन है। इन दिस टेक्निक द टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री कैन बी कोरिलेटेड विद द सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात में बताऊंगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक हमारे पास ज्ञान है। हम सपोज करिए कि एक पुस्तक हम पढ़ा रहे हैं, ये पुस्तक जो हमारे पास है, या हमारे पास मैथ का ज्ञान है, मैथ की पुस्तक है। इस मैथ को पुस्तक के लिए मैं एज ए टीचर मैथ पढ़ाते पढ़ाते इस मैथ में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इस पुस्तक में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं अलग और चीजों में, मैथ को मैं ज्योग्राफी से, मैथ को मैं सिविक्स से, मैथ को मैं इकोनॉमिक्स से भी मैं कोरिलेट करते जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ में मैं एग्जाम्पल एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे ही यह जो है, जो इस प्रकार का वर्टिकल कोरिलेशन होता है, वह वर्टिकल कोरिलेशन ऊर्ध्वाधर चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। यानी वह नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो एकदम सीधा, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो, यह बॉटम लेवल है इसका, यहाँ पे यह बॉटम लेवल है, यहाँ बॉटम लेवल से यह सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ में यह एक सब्जेक्ट, यह इसका एक सब्जेक्ट है, मैथ है सब कुछ के लिए। अब इस मैथ के लेसन को वह अन्य लेसन से भी वह रिलेट कर रहा है, इसे कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर करिकुलम। इसे हम एक्सटर्नल कोरिलेशन भी कहते हैं, यानी एक पार्ट से वह बाहर की चीजों को वह क्या कर रहा है, उसके साथ में रिलेट कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ कैसे रिलेट करेंगे। सपोज करिए कि एक किसी लेसन में हम मैथ का लेसन लेते हैं। उस मैथ के लेसन में कहा गया कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि इतनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में वहां पे जो है वो महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की जनसंख्या इतनी, बच्चों की जनसंख्या इतनी है, तो वहां की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे हम आंकड़े ले रहे हैं मैथ में, आंकड़े के साथ में हम जनसंख्या भी बता रहे हैं, जनसंख्या किसकी, देश की, या उसकी भौगोलिक स्थिति। यानी हम मैथ तो सिखा ही रहे हैं, मैथ के साथ साथ में और अन्य भाषा भी सिखा रहे हैं, वहां पे भौगोलिक स्थिति भी सिखा रहे हैं और अन्य चीजें भी सिखा रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम वहां पे नागरिकों की बात ले सकते हैं या हम वहां पे इतिहास की बात ले सकते हैं। तो ऐसे जो है वह हम हर सब्जेक्ट में, चाहे हम ये नहीं कह रहे खाली मैथ में ही, अगर वह हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी मैथ आता है। हिस्ट्री में कैसे मैथ आता है, कहा गया कि इतने एक युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध हुआ या कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, हल्दीघाटी के युद्ध में और इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल सैनिक और इतनी तोपें वहां पे आई थी, और उसमें से इतने लाख लोग जो है, इतने लाख सिपाही आए हुए थे, इसमें इतने लाख सिपाही मर गए। तो ये सब क्या है, इतने ये आंकड़े जो है वो क्या बता रहे हैं, वो मैथ बता रहे हैं। वहीं पे तोपे बनाई गई, वहां पे तलवार बनाई गई, वहां पे धनुष बाण बनाए गए। तो ये तलवार वगैरह बनाना, ये सब क्या है, ये साइंस की बातें बता रहा है। वहां पे बताया कि यहाँ पे इस मैप के जरिए वो युद्ध करने के लिए पहुंचे। तो मैप अब क्या बता रहा है, मैप वहां पे भूगोल बता रहा है, यानी ज्योग्राफी बता रहा है। वहीं पे ये बता रहा है कि उसके पहले पूर्वज जो है उसी जगह पे वो युद्ध लड़े हुए थे, इसलिए उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि वहां पे हमको लड़ना है। अब उसी में इतिहास भी आ गया, यानी इतिहास के साथ में इतिहास भी जोड़ना है, इतिहास के साथ में मैथ भी जोड़ना है, इतिहास के साथ में साइंस भी जोड़ना है, मतलब हिस्ट्री के साथ में ही अन्य अदर सब्जेक्ट को जोड़ना, वह सारा कुछ कहलाता है एक्सटर्नल कोरिलेशन। यानी वर्टिकल कोरिलेशन हमेशा अपनी पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तक का भी ज्ञान देता है। अब ऐसे ज्ञान देने के लिए तो क्या कौन टीचर ऐसा ज्ञान दे पाएगा, तो ऐसा टीचर, यानी ऐसे वर्टिकल कोरिलेशन को पढ़ाने के लिए टीचर की कौन सी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा पढ़ाने के लिए उसको टीचर को अन्य सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ में उसको ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको सिविक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको मैथ का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के वह कोरिलेट कर पाएगा। तो यानी अगर हम
बहुत शॉर्ट में बात करें तो वर्टिकल कोरिलेशन जो है वह बिल्कुल सीधा सपाट ऊपर की जाने की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर जाने की तरफ कोशिश करता है और यह अन्य अपने विषय से संबंधित अन्य विषयों को भी कोरिलेट करता है। आगे चलते हैं। सिमिलरली टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी कोरिलेटेड विथ टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, यानी साइंस जो है वो कोरिलेट होती है ज्योग्राफी से, मैंने बता दिया, एंड सो ऑन। फॉर वर्टिकल कोरिलेशन अ टीचर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ नॉट ओनली हिज सब्जेक्ट बट ऑल्सो द अदर सब्जेक्ट टू। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, अगर किसी कोई सब्जेक्ट का कोई टीचर है, सपोज करिए कि साइंस का टीचर है या सपोज करिए कि मैथ का टीचर है या सपोज करिए कि लैंग्वेज का टीचर है, तो अगर वह साइंस का टीचर है तो उसे अन्य सब्जेक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के वह वर्टिकल कोरिलेशन को बता पाएगा। यानी वह साइंस का टीचर है तो उसको मैथ का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको सिविक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो, बट उसको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ताकि वह उसको रिलेट कर सके और बच्चों को ढेर सारा एग्जाम्पल दे सके ताकि बच्चे उसको समझ सके। ओके, तो अभी हमने अभी खास हम अभी कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल कोरिलेशन जो था, स्पाइरल कोरिलेशन जो था वह चक्राकार के रूप में चल रहा था, वर्टिकल कोरिलेशन जो है वो ऊर्ध्वाधर के रूप में चलता है। जो जो हमारा स्पाइरल कोरिलेशन था, स्पाइरल कोरिलेशन एक ही सब्जेक्ट को रिलेट करके अंदर जा रहा था और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा था, जबकि वर्टिकल कोरिलेशन है वह एक सब्जेक्ट के साथ में अदर सब्जेक्ट को भी कोरिलेट कर रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है आप खास तुलनात्मक रूप में याद रखेंगे। मैं लास्ट में एक तुलनात्मक और अध्ययन करा दूंगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, वर्टिकल हो गया, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन, यानी समानांतर जो करिकुलम है वो क्या है। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन है वो समानांतर यानी उसी के समान समान चलता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कोरिलेशन, यानी वो उसी के अंदर चलता है। एक एक सब्जेक्ट है, अगर वो हिंदी बात पढ़ाई जा रही है या मैथ पढ़ाया जा रहा है तो मैथ के अंदर ही जाएगा, मैथ के बाहर नहीं जाएगा। मैथ का लेसन वन दूसरे लेसन के साथ में संबंधित होगा, दूसरा लेसन तीसरे लेसन के साथ में संबंधित होगा, तीसरा लेसन चौथे लेसन के साथ में संबंधित होगा। यानी अगर मैथ में आंकड़े पढ़ाए गए, मैथ में गिनती पढ़ाई गई, मैथ में जोड़ पढ़ाया गया, मैथ में घटाना पढ़ाया गया, तो यह नहीं है कि एक लेसन खत्म हो गया तो उसी में मैथ आएगा, उसी में जो है वो आंकड़े आएंगे या उसी में वो जोड़ आएगा। वो अन्य लेसन में भी जोड़ आ सकता है, वो अन्य लेसन में भी घटाना आ सकता है, वो अन्य लेसन में भी गुणा आ सकता है। तो जो लेसन खाली उसी के समानांतर चलता, अंदर अंदर ही चलता है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। इसे हम इंटरनल कोरिलेशन भी कहते हैं। दिस अप्रोच इज कोरिलेटेड विथ एस्टेब्लिश अमंग वेरियस टॉपिक आर यूनिट्स आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट, यानी वह एक ही सिंगल सब्जेक्ट, यानी जैसे मैथ का लेसन है तो मैथ के अंदर ही सारी बातें चलेंगी, अगर वह लैंग्वेज का लेसन है तो लैंग्वेज का लेसन अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज का लेसन कैसे पढ़ाया जाएगा, तो उसको पोयम के रूप में पढ़ाया जाएगा, उसको स्टोरी के रूप में पढ़ाया जाएगा, उसको जो है न्यूज के रूप में पढ़ाया जाएगा, उसको जो है वो कन्वर्सेशन के रूप में पढ़ाया जाएगा, तो वो उस रूप में चलेगा। तो जब एक ही सब्जेक्ट को उसको हम और किसी सब्जेक्ट के साथ में ना रिलेट करके एक ही के अलग अलग फॉर्म में बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल टीचिंग लैंग्वेज, जब हम भाषा पढ़ाते हैं तो भाषा के अलग अलग पहलू हम उसके साथ में लेते हैं, जैसे प्रोज लेते हैं, पोएट्री लेते हैं, ग्रामर लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं, कैन बी टॉट इन कोरिलेटेड मैनर, यानी एक साथ में हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट ही, हम लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं बट लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज के अंदर में, लैंग्वेज में प्रोज कैसा होता है, लैंग्वेज में पोएट्री कैसी होती है, लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कैसा होता है, लैंग्वेज में स्टोरी कैसी होती है, लैंग्वेज में ग्रामर कैसा होता है, लैंग्वेज में कंपोजिशन कैसा होता है, हम इसको पढ़ा रहे हैं। मैथ में जो है वो एडिशन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन कैसा होता है, उसमें जो है वो मेजरमेंट कैसा होता है, उसमें मेंसुरेशन कैसा होता है, उसमें ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है, तो हम मैथ के अंदर ही जा रहे हैं, मैथ के बाहर नहीं जा रहे हैं। तो मैथ के अंदर जाने की प्रक्रिया को, यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर जाने की प्रक्रिया को हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहते हैं या इंटरनल कोरिलेशन कहते हैं। जो हमारा वर्टिकल कोरिलेशन था वह एक सब्जेक्ट के बाहर जा रहा था, बाहर के ज्ञान को होना जरूरी था। यहाँ पे टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी होनी चाहिए, उसको वो अलग अलग रूपों में उसी विषय के अलग अलग रूपों को बताने के लिए उसको सक्षम होना चाहिए। ओके, इन द सेम वे वाइल अप्रिशिएटिंग ऑफ डिफरेंट स्टोरीज एंड पोएम गिवेन इन द टेक्स्ट बुक कैन बी डिस्कस्ड टुगेदर, यानी उसी को मैंने आपको बता दिया कि टीचर अगर लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो प्रोज, पोएट्री, ग्रामर ये सब आना चाहिए, उसी को स्टोरी के रूप में बताने आना चाहिए, उसी को पोएम के रूप में बताने आना चाहिए, ये सब टीचर को उसी टेक्स्ट बुक को अलग अलग तरीके से बताने आना चाहिए। कोरिलेशन टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज इन मैथ, साइंस, ज्योग्राफी बाई टीचिंग डिफरेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट इन कोरिलेटेड मैनर,
इसी में इसी की अलग अलग, अभी तो मैंने मैथ की बात, मैंने लैंग्वेज की बात करी, तो मैथ के भी लेसन ऐसे ही मैंने आपको बताया कि मैथ के लेसन जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, फ्रैक्शन है, वो तो ये इसके अलग अलग रूपों को बताया जा सकता है। ज्योग्राफी में अलग अलग रूपों को बताया जा सकता है, साइंस के अलग अलग रूपों को बताया, साइंस के अंदर ही साइंस के अलग अलग रूपों को बताया जा सकता है। तो इसको बताने की प्रक्रिया जो, इसको बताने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। तो ऐसे अगर सीटेट में या रीट में या अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आते हैं कि एक बच्चा, अगर एक बच्चा उसी पाठ के अलग अलग पहलुओं को एक ही रूप में अगर सीखता है तो उसे कौन सा कोरिलेशन कहेंगे, या एक इस अक्सर पेडागोगी में आता है, एक टीचर एक पार्ट, एक टीचर एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और उसी के अंदर डीप में जाता है तो उसे कौन सा रिलेशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, या फिर स्पाइरल कहेंगे, कौन सा कोरिलेशन कहेंगे, तो आपको यह बताने आना होना कि उसको हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ अब मैं इसको एक आपको उसमें के रूप में बताता हूँ, तुलनात्मक रूप में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तुलनात्मक में मैं यहाँ पे तीन बातें बता रहा हूँ, अभी खाली कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो कोरिलेशन में आप जरा तुलनात्मक जाने कि एक हो गया स्पाइरल, एक हो गया वर्टिकल और एक हो गया हॉरिजॉन्टल जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब जो स्पाइरल करिकुलम है, ये स्पाइरल करिकुलम क्या करता है, एक ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को, वन सब्जेक्ट को लेता है और इसको क्या करता है, वह एक दूसरे पार्ट के साथ में जोड़ते हुए चलता है। यानी यहाँ पे एक लेसन दूसरे लेसन के साथ में कोरिलेट होता है और यहाँ से सिंपल से स्टार्ट करता है और वह कॉम्प्लेक्स में जाकर के रोकता है। यानी इसका जो शुरू होता है, प्रारंभ होता है, बिगिन होता है, वह सिंपल से होता है, जो इंड होता है उसका हार्ड से होता है। यानी हार्ड तक पहुंचने के लिए उसको ये सारे कॉन्सेप्ट उसको सीखने पड़ेंगे, तब जाकर के यह कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा। तो इसे कहते हैं हम क्या, स्पाइरल कोरिलेशन। वहीं वर्टिकल कोरिलेशन क्या है, वर्टिकल कोरिलेशन जो होता है वह हमेशा ऊर्ध्वाधार चलता है, वह हमेशा ऊर्ध्वाधार चलता है, यानी वह सीधा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए वह एक लेसन अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसको उसको अन्य दूसरे लेसन के साथ में भी सिखाया जाता है, उसको अन्य दूसरे लेसन के साथ में भी सिखाया जाता है। तो इसे कहते हैं वर्टिकल कोरिलेशन। इस वर्टिकल कोरिलेशन में टीचर को अपने सब्जेक्ट के अलावा अन्य सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी जरूरी है। अब वही बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन जो है वो सीधे समानांतर रूप में चलता है, यानी उसको एक लेसन जो है, अगर वह हिंदी का लेसन या लैंग्वेज का लेसन सीख रहा है तो लैंग्वेज के अंदर ही जाएगा, लैंग्वेज के अंदर ही जाकर के सीखेगा, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। जबकि वर्टिकल में क्या होता था, अगर वहां पे एक सब्जेक्ट सीख रहा है, अगर वह हिंदी सीख रहा है तो हिंदी को उसे, हिंदी वाले लेसन को उसे इंग्लिश के लेसन से, हिंदी वाले लेसन को उसको ज्योग्राफी के लेसन से, हिंदी वाले लेसन को साइंस के लेसन से, हिंदी वाले लेसन को सिविक्स के लेसन से कोरिलेट करना होगा और टीचर को ये सब कोरिलेट करने आना होना चाहिए। वही हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में बस मात्र एक ही सब्जेक्ट की, अगर हिंदी का या इंग्लिश कोई लैंग्वेज का लेसन है तो लैंग्वेज के लेसन के अलग अलग रूप में ही उसको जानकारी होनी चाहिए कि लैंग्वेज के लेसन को हम प्रोज के रूप में कैसे पढ़ाएंगे, पोएट्री के रूप में कैसे पढ़ाएंगे, न्यूज के रूप में कैसे पढ़ाएंगे, कन्वर्सेशन के रूप में कैसे पढ़ाएंगे, ग्रामर के रूप में कैसे पढ़ाएंगे, तो ये खाली उसी रूप में चलेगा। तो इस प्रकार की कोरिलेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। ओके, तो आपको समझ आया होगा, मैंने आपको बताया कि कोर करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है और इंक्लूसिव करिकुलम क्या होता है। ये मैंने तीन करिकुलम आपको बताए, तीन करिकुलम के साथ साथ में मैंने आपको बताया कि स्पाइरल कोरिलेशन क्या होता है, वर्टिकल कोरिलेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन क्या होता है। मैंने इन सब की आपके साथ में चर्चा करी। तो एक बार मैं वापस से पूरी स्लाइड को मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कहाँ से मैंने शुरू किया हुआ था। तो ये मैंने शुरू किया हुआ था कोर करिकुलम जो कि सबके लिए कंपलसरी है, फिर हिडन करिकुलम की मैंने चर्चा करी हुई थी, हिडन करिकुलम जो कि ऐसे पाठ में नहीं होता है बट उसको हम करवाते हैं तो वो उसके अंदर होता है, और साथ में इंक्लूसिव करिकुलम जो है वो पूरा का पूरा एक पैकेज होता है, उसमें सारा चीज एडमिशन से लेकर के डिग्री देने तक की सारी बातें उसी में समाहित होती है, कही जाती है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव करिकुलम।
स्पाइरल करिकुलम जो होता है वह स्पाइरल करिकुलम हमेशा एक सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है और वह हमेशा एक एक लेसन दूसरे लेसन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं स्पाइरल कोरिलेशन। फिर वर्टिकल कोरिलेशन जो होता है वह ऊर्ध्वाधार होता है, ऊर्ध्वाधार में एक सब्जेक्ट दूसरे अन्य सब्जेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ था, इसे एक्सटर्नल कोरिलेशन भी कहते हैं, और इसमें टीचर को अपने सब्जेक्ट के अलावा अन्य दूसरे सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन जो है वह एक ही लेसन, वह यानी इसको इंटरनल कोरिलेशन कहते हैं, एक सब्जेक्ट की अगर जानकारी है तो उसी के अंदर जाकर के उसके भागों को बताना होता है। जैसे अगर लैंग्वेज का लेसन है तो लैंग्वेज के लेसन के अलग अलग भागों को प्रोज पोएट्री और ग्रामर न्यूज कन्वर्सेशन के रूप में उसको बताना। तो ये सब हमने आपको बताया कि तीन कोरिलेशन और बाकी के जो तीन हमारे करिकुलम के टाइप्स थे वो मैंने आपके साथ में चर्चा करी। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइप्स जो है, टाइप ऑफ करिकुलम वो है, वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप वो डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य लोगों को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि हमारे चैनल का व्यूज़ बढ़े और सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ें। और मैं ऐसे ही आपके लिए नया नया वीडियो लेता आऊँगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आपको समझ में ना आए जहाँ भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में